सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और आपको पता देखिए इसी तरीके से मैं डेली लाइव आपके लिए लेके आता हूं। और आज हम बेसिकली कवर करेंगे 19th ऑफ अक्टूबर और 20th ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से डेली मैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे तो लाइव जुड़ूंगा ही, इसके अलावा सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते चले। सो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, नीति आयोग टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद AWS। तो यानी नीति आयोग ने AWS अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट किया है, बेसिकली जो एट प्रेजेंट चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो डिजिटली इनको सॉल्व करने के लिए जितने भी हम डे टू डे चैलेंजेस सोसाइटी में फेस करते हैं, इसीलिए नीति आयोग ने ये कोलैबोरेशन किया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी CIC विद अमेज़न। और दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू कम टुगेदर ऑन प्रेसिंग चैलेंजेस, अप्लाई डिजाइन थिंकिंग, टेस्टिंग से रिलेटेड हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा अगर बाकी चीजों की बात करें, ठीक है, इसका चाहे वो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम, उसमें भी देखिए टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहने तो उसके अंदर भी देखिए वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि आपको अपने आसपास के रेडियस के अंदर पता चल जाता है कि कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इन्हीं क्लाउड इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम की, एक तरीके का एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर हो गए या प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसी, उनको एक प्लेस पे लाने का और एड और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे बड़ी कंपनी के साथ जोड़ने का। खुद अमेज़न अपने आप में सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, तो उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म भी ये प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, एक इंडेक्स रिलीज किया गया काफी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो उसमें इंडिया का अगर रैंक की बात करें तो इस बार कितना है, 94 out of 107 कंट्रीज। तो अपने आप में देखिए काफी एक बड़ा इशू है कि इंडिया जैसा जो कि कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे इतने बड़े लेवल पर आपको पता है एग्रीकल्चर हम करते हैं, उसके बाद भी अगर भारत का रैंक 94 आता है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें अपने आप में एक बड़ी जो हमारी पॉलिसीज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई या स्टेट गवर्नमेंट की, उसे ग्रास रूट लेवल तक, रूरल एरियाज तक पहुंच नहीं पा रहा, ये क्लियरली इंडिकेशन है इस चीज का। जैसे मैं हाल ही अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अभी तक क्या होता था कि जो आप राशन कार्ड बनवाते थे वो जिस सिटी में, जिस स्टेट के अंदर, जिस सिटी जगह पे आपने बनवाया, सिर्फ आप उस वहीं पर उसको यूज करके आपको राशन मिलता था। तो अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी आप अपने राशन कार्ड को कहीं पर भी अगर आप जॉब की वजह से जाते हैं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी, तो आप वहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स की जरूरत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे हो गया या स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे, ताकि खासकर अगर हम बात करें भारत जैसा, क्योंकि मैंने बताया कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद कम से कम ऐसा रैंक तो भारत का नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 94 आया है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, और इंडिया को उन्होंने सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर रखा है। और इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। इसका मतलब जितना देखिए एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, उसमें से ऐसे 14% इंडिया की पॉपुलेशन है जिसको पूरा तीन टाइम का एक अच्छा खाना भी नहीं मिलता, वो अंडर नरिश्ड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो अंडर एज ऑफ 5 उनमें स्टंटिंग रेट की बात करें 37.4% देखा गया है, और वेस्टिंग रेट 17.3%। ये होता क्या है, स्टंटिंग रेट और वेस्टिंग रेट, यानी जो आपकी एज है जैसे अंडर 5, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, उस अकॉर्डिंग जो है स्टंटिंग रेट और वेस्टिंग रेट को देखा जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंग ठीक होती है, लेकिन अगर आप अंडर नरिश्ड है, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिला, तो उसी में आपके केस में स्टंटिंग रेट और वेस्टिंग रेट देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें एक 37.4% और दूसरा 17.3%। और अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यानी जिनकी डेथ हो जाती है अंडर 5, तो वो 3.7% है। तो इसको भी रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें चाहे हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना हो और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें। देन अगर बात करें पिछले साल भी देखिए इंडिया का रैंक 102 था आउट ऑफ 117 कंट्रीज, पिछले बार 117 कंट्रीज, इस बार 107 है, तो इंडिया का रैंक 94, यानी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जो है पिछले साल से अभी तक ऐसा आप देख सकते हैं नहीं हुआ है। तो ये चीज जैसे मैं बता रहा था, चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम हो या और इस तरीके के इनिशिएटिव जो है, जो कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, क्योंकि देखिए पॉलिसीज आप देखेंगे पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, तो ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी जो वुमेन बैडमिंटन के अंदर जो डेनमार्क ओपन अभी हाल ही में खत्म हुआ है, उसमें वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में नोजोमी ओकुहारा जो है उन्होंने ये टाइटल जीता है, इसको नोट डाउन
करलिन के नाम को। नोजोमी ओकुहारा ने जो है इस बार के डेनमार्क ओपन को जीता है वुमेन सिंगल कैटेगरी में, तो इसको एक बार बता देता हूँ। सो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी नोजोमी ओकुहारा क्लिंच द डेनमार्क ओपन टाइटल बीटिंग थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मारिन इन वुमेन सिंगल। ठीक है, इन्होंने देखिए कैरोलिना मारिन ने जो है पीवी सिंधु को भी हराया था क्या उसमें जो ओलंपिक्स फाइनल हुआ था उसके अंदर, और उसके बाद इन्हें तो गोल्ड मिला था कैरोलिना मारिन को, जबकि पीवी सिंधु को सिल्वर मिला था उसके अंदर। तो इन्होंने नोजोमी ओकुहारा ने इनको हराया है कैरोलिना मारिन को, और 56 मिनट्स के अराउंड उन्होंने टाइम लिया जिसमें दो गेम्स जो दो सेट होते हैं जिसमें पहले में 21-19 और दूसरे में 21-17 से जो है उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया। अगर बात करें एट प्रेजेंट पीवी सिंधु जो कि वर्ल्ड चैंपियन है इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से जो दो बड़े बिगेस्ट राइवल्स कह सकते हैं नोजोमी ओकुहारा और कैरोलिना मारिन के बीच में जो है ये फाइनल हुआ। अगर पीवी सिंधु इसमें पार्टिसिपेट करती तो हो सकता है वो भी शायद टाइटल जरूर जीत सकती, क्योंकि आपको इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है और बहुत अच्छे चांसेस थे कि वो ये टाइटल जीते अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते, बट उन्होंने नहीं किया, तो इन दोनों ने किया और उसमें फाइनल किन्होंने जीता नोजोमी ओकुहारा ने। और अगर मैं बात करें मेन सिंगल कैटेगरी में तो किसने जीता है, सेवंथ रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर बीट किया है रेस्मस गैमेके को बाय 18-21, 21-19 और 21-12, यानी पहला सेट वो हार गए थे उसके बाद वो लगातार दोनों सेट जीते। ठीक है, तो मेन सिंगल कैटेगरी में किसने कैरोलिना मारिन को हराया है। ठीक है, तो इन दोनों का ही आप नाम नोट डाउन कर लें, चाहे वो वुमेन सिंगल कैटेगरी में या मेन सिंगल कैटेगरी में डेनमार्क ओपन के। ठीक है, तो आप उनके फोटो भी देख सकते। कल्चर मिनिस्टर जो कि एट प्रेजेंट है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च कर दिया है आयुष्मान सहकार स्कीम। अभी किसका काम क्या है, स्कीम का मेन एम क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूं। सो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च आयुष्मान सहकार स्कीम कल ही उन्होंने लॉन्च किया है, विच इज अ यूनिक वे टू असेस कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। आपको पता है कि इस टाइम पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास रूरल एरियाज के अंदर, या जहाँ पे अभी तक हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी नहीं है। आपको पता है इस कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके अलावा चाहे वो वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है इस टाइम पे। तो ये आयुष्मान सहकार स्कीम को लॉन्च करने का मतलब यही है कि जो कोऑपरेटिव्स है, जो एक तरीके से मतलब कोऑपरेटिव जो काम करते हैं हेल्थ सेक्टर की फील्ड में, वो जो है इसको इम्प्रूव करें अपने रोल को। ठीक है, इसके लिए उन्हें जो है पैसा भी दिया जाएगा लोन के तौर पे, मैं बता देता हूँ कितना। लेकिन ये स्कीम को फॉर्मुलेट किसने किया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनसीडीसी ने। ठीक है, जिसके तहत लोन टर्म लोन्स दिए जाएंगे अप टू 10,000 करोड़ रुपीज इन द कमिंग ईयर्स। तो बट जितने भी कोऑपरेटिव हैं उनको ऑन एन एवरेज कंबाइंड जो टारगेट रखा गया वो है 10,000 करोड़ तक के लोन जो है वो दिए जाएंगे, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो इंप्रूव किया जा सके। सो द स्कीम एम्स एट ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ सर्विसेज प्राइमरली इन द रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज को खासकर ध्यान में रख के जो स्कीम को लाया गया है आयुष्मान सहकार स्कीम को, ताकि जो कोऑपरेटिव्स है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में अपना एक तरीके से योगदान दे पाए। उसके लिए जो है गवर्नमेंट लोन भी दे रही है 10,000 करोड़ तक का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है इंडिया और श्रीलंकन नेवी के बीच में जो एनुअल एक्सरसाइज होती है नेवी की, वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम है स्लिनेक्स। और ये आठवां एडिशन है, मतलब आठवीं बार जो इस तरीके से एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है इंडियन और श्रीलंकन नेवीज के बीच में। ये कल से स्टार्ट हुई है और 21 अक्टूबर तक चलेगी, 3 दिन की एक्सरसाइज है। ट्रिन कोमली कोस्ट जो है वहां से, वहां पे एक्सरसाइज हो रही है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एंड चेतक हेलीकॉप्टर एम्बार्क्ड ऑन बोर्ड शिप्स एंड डोर्नियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग। तो कौन कौन से एयरक्राफ्ट या शिप्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम यहाँ पे इनका नाम देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो चेतक हेलीकॉप्टर हो गया या बाकी के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स है, वो जो है शिप्स पर जो है उनकी भी ट्रेनिंग होगी एक तरीके से, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्यों एक्सरसाइज इस तरीके की ऑर्गेनाइज करी जाती है, बेसिकली इंटर ऑपरेटिबिलिटी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, इंप्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जो भी देखिए ऑब्वियसली बात है, हर कंट्री के पास अपने एक्सपर्टीज होती है, तो वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर मल्टी फैसिलिटेड मैरिटाइम ऑपरेशंस बिटवीन बोथ द नेवीज। जब भी कोई चैलेंज आता है, तो अगर ये एक्सरसाइजेस हुई होती है, तो हर कंट्री के पास देखो दूसरी कंट्री से कोई ना कोई चीज सीखती है, और फिर जो है कभी भी अगर ऐसा चैलेंज आता है बड़ा, तो वो उनको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अलावा जो है, देखिए ये किन्हीं भी दो कंट्री के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन है वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, ये उसका एक अच्छा साइन होता है जब इस तरीके के मैरिटाइम एक्सरसाइजेस जो है, या कोई भी नेवल एक्सरसाइज हो गई, आर्मी की एक्सरसाइज जब कंडक्ट की जाती है।
ठीक है ना। आप देखें ओबियसली बात, आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो कभी इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं होती, तो जो अच्छे जिनके अच्छे रिलेशन होते हैं वहीं पर आप देखेंगे कि इस तरीके की एक्सरसाइज और टाइम टू टाइम कंडक्ट होती है। तो ये आठवां एडिशन है जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसलिए इसका नाम नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, तो आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं। तो एक बार जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पीछे जो आज हमने करंट अफेयर देखे। ठीक है, इससे पहले हमने बात की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च किया आयुष्मान सहकार, जिसके तहत जो एनसीडीसी ने स्कीम को फॉर्मुलेट किया है जिसमें 10,000 करोड़ तक के लोन जो है वो दिए जाएंगे बेसिकली कोऑपरेटिव्स को, ताकि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर पाए खासकर रूरल एरियाज के अंदर। फिर देन हमने बात की डेनमार्क ओपन का, इस बार मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, नोजोमी ओकुहारा ने, और मेन सिंगल का एंड्रस एंटोनसन ने। देन हमने बात की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें इंडिया का इस बार रैंक है 94, पिछले साल था 102। ठीक है, तो इसको उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब ये हंगर इंडेक्स रिलीज किया जाए तो भारत काफी हद तक इसमें इंप्रूव करे। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट था जो नीति आयोग के बारे में आपको बताया था, जो उन्होंने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि क्लाउड इनोवेशन सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जा सके, और जो बड़े चैलेंजेस है उन्हें टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे सोल्व किया जाए उसको लेके जो है ये सेटअप किया गया है नीति आयोग का EWS के साथ। ठीक है, ये थे हमारे इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।